लोकायुक्त द्वारा नियुक्त जनपद औरैया की विशेष टीम द्वारा चपुन्ना ग्राम पंचायत में हुए घोटाले की जांच। जनपद कन्नौज के हस्यरेन क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत चपुन्ना में दिनांक 9/11/2021 को जनपद लोकायुक्त औरैया द्वारा टीम की मुख्य सदस्य अपर जिलाधिकारी यानी कि ADM औरैया रेखा चौहान की अध्यक्षता में बारीकी से जांच की गई। टीम में शामिल अधिकारी तुरवा तहसीलदार अनिल कुमार सरोज, BDO हस्यरेन अखिलेश तिवारी, जिला लेखा परीक्षक अधिकारी अनिल वर्मा, जिला लेखा पर्यवेक्षा अधिकारी औरैया प्रदीप कुमार सीनियर ट्रेजरी ऑफिसर औरैया एवं अन्य अधिकारियों द्वारा ग्राम पंचायत चपुन्ना की तत्कालीन ग्राम प्रधान नेहा त्रिपाठी, ग्राम पंचायत सदस्य व महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष भाजपा द्वारा फर्जी फर्मों के माध्यम से हुए घोटाले की जांच कर निरीक्षण किया गया, जिसमें अधिकारियों ने गहनता से जांच की, जो कि लगातार जांच की जा रही है। आपका कहाँ रहती हो? चपुन्ना। आज जांच होने आई थी, अधिकारियों ने आपसे क्या पूछा? हमसे यही पूछा, आपको कैडर सर्ट मिला या नहीं मिला। हमने यही बताया था जी। हमारा कैडर सर्ट हमारे हस्बैंड के नाम से पैसा आया था जी। और फिर प्रधान ने निकाल लिया था जी। हाँ, तो इसी वजह से हमने सारी अपनी वजह बता दी, उन्होंने हमारी कैटल सेट आपका बना नहीं? नहीं बना है। रुपया निकल चुका है। अधिकारियों ने क्या आश्वासन दिया आपको? यही बनवाने को बोला है उन्होंने। कर्ता मौके पे थे? वो हमारे भाई हैं बड़े, मैं उनका चचेरा भाई हूँ। वो आज घर पे नहीं थे और जो है जांच आई तो वो उनसे फ़ोन किया गया, वो बाहर गए थे इसलिए वो मौके पर नहीं आ पाए जी। मैं उनका चचेरा भाई, उनके पिताजी, बाकी और हमारे घर के जो भी सदस्य थे सभी लोग रहे, पूरा जांच में सहयोग किया। किसकी जांच होने आई थी? ग्राम पंचायत। नहीं, जो शिकायतकर्ता ने जाँच डाली है वो कहाँ जाँच डाली थी? शिकायत का आज दिन तक जितनी भी जाँचें हुई, शिकायतकर्ता कभी सामने ही नहीं आते, कभी अधिकारियों सामने आए भी नहीं, ना आज भी सामने नहीं आए जी। इससे पहले भी कभी नहीं आए, जब आते हैं हमें सुरक्षा दी जाए, अब आज जब पुलिस भी मौजूद है तब भी नहीं आए जी। और प्रमोद शुक्ला जो शिकायतकर्ता हैं, मतलब एक भी बार किसी भी जाँच अधिकारी के सामने कभी आते ही नहीं है, ना वहाँ जाते बयान देने, उनके बदले कोई दूसरे लोग बयान देते हैं जी। लेकिन ग्रामीण तो सामने रहते हैं सब? ग्रामीण तो हमेशा ही हर बार देखते हैं, हर बार हमें क्लीन चिट मिल रही है। जाँच करने कौन आया? जांच करने अपर जिलाधिकारी हो रही है जी। जांच में क्या पाया गया सर? जांच में तो वही बताएं क्या पाया गया, अभी जांच चल रही है। आज ही एक पहला ऐसा चांस है कि इस जांच को लेकर अधिकारी गढ़ आकर मौके पर उन्होंने देखा, गलियों में सीसी रोड देखी गई, शौचालय और जो है मनरेगा से कराई गई कार्यों को देखा गया, जो कुछ कार्य हुए कुछ का अभी तक रिकॉर्ड ही नहीं मिला जी। सेक्रेटरी साहब से जो भी बात पूछी गई वो कोई स्पष्ट जवाब नहीं दे पाए, उन्होंने यही कहा कि मैं जब काम हुआ मैं था ही नहीं, हम बाद में आए, कोई रिकॉर्ड नहीं। सेक्रेटरी आपके यहाँ के कौन है? हमें खुद नहीं पता है, आज से पहले एक सेक्रेटरी कभी गांव में आए ही नहीं। मतलब 5 साल प्रधानी की पूरी हो गई लेकिन सचिव कभी यहाँ जाँच करने नहीं आई? कभी सचिव को हम लोगों ने नहीं देखा। BDO साहब को हमने नहीं देखा, आए होंगे तो हमें नहीं पहचानते, कभी जांच करने नहीं आए। हाँ, इस जांच से लेके आज से पहले कभी जांच कोई हुई नहीं। इससे पहले जांच हुई जो है तरुण त्रिपाठी जी आए थे, दिव्यांग जन अधिकारी जी, वो भी आए और राधा रानी गेस्ट हाउस में बैठ के वहीं से रिपोर्ट लगा दी, मौके पे नहीं आए। किस संदर्भ की ये जाँच है? ये लोकायुक्त की एक जाँच है जो कमिश्नरी से अन्य जिले को, यानी हम लोग औरैया के 3 अधिकारी हैं जी। और एक अधिकारी इटावा के हैं जी। 4 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है, एक यहाँ चपुन्ना और नगरिया लालछा जी, ये 2 गांव में मनरेगा से रिलेटेड है कि इनकी आरोप हैं कि मनरेगा में काफ़ी भ्रष्टाचार किया गया है, प्लस कुछ फर्म्स हैं जिनके द्वारा शामिल हैं, वो संलिप्त हैं कुछ फर्म्स, 6-7 फर्म का नाम है। वो सारा कार्य कुछ मौके पर हुआ नहीं हुआ या जॉब कार्ड में कुछ प्रॉब्लम, मतलब अलग अलग तरीके के, सारा बेसिकली मनरेगा का है इनका जी। तो उसकी जांच के लिए हम लोग आज यहाँ पहली बार आए हैं और अभी जांच कंटिन्यू है, अभी पूरी नहीं है, कुछ चीज़ें रिकॉर्ड्स हमें नहीं मिले हैं और रिकॉर्ड्स वगैरह अभी हमें मंगाने पड़ेंगे, हो सकता है कि हमको 1-2 बार और आना पड़े। तो अभी ये जाँच अभी कंटिन्यूशन में है, अभी पूर्ण नहीं हुई।